उस मानने की स्थिति में बैठेंगे। देखिए अपनी भ्रुकुटी को एक गुफा की तरह, गुफा के अंदर जैसे अंधेरा होता है अब इस अंधेरे में प्रवेश करते हैं, तो इसमें एक छोटा सा सोने का बॉक्स दिखाई देता है। धीरे से इस बॉक्स को खोलते हैं, तो इसमें एक हीरा, जैसे ही बॉक्स को अनबॉक्सिंग यानी खोलते हैं, वैसे हीरे का प्रकाश पूरे इस गुफा के अंधेरे को प्रकाश में बदल देते। अब इस हीरे पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। इस हीरे का प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल भ्रुकुटी के बीच में सेंटर ऑफ फोरहेड ये चमकता हुआ हीरा, और इसका प्रकाश इसका प्रकाश अनुभव करे इस प्रकाश को। अब देखें परमधाम में ऐसे ही चमकता हुआ सेम हीरा
अब इसका प्रकाश सूर्य के जैसे मुझ हीरे पर पड़ रहा है, जैसे सूर्य प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, वैसे प्रिज्म से सात कलर अपने आप रेडिएट होते हैं, वैसे मुझ हीरे पर ये प्रकाश पड़ते ही मुझसे सात कलर के रेज अपने आप बाहर। अब देखे इस गुफा में सात कलर्स रेडिएट हो रहे, अब ये सातों ही कलर्स इस गुफा से बाहर। अब देखे अपने साकार शरीर सूक्ष्म शक्तियों पर ये रेस काम कर रहे, मन बुद्धि संस्कार सब पर ये कलर थेरेपी का काम हो रहा है, पूरे शरीर के सातों ही चक्रास क्लीन और क्लियर होकर एक्टिवेट हो रहे। पूरा शरीर का जो भी बीमारी है वो एक कलर थेरेपी से ठीक होता जा रहा है, मन बुद्धि संस्कार भी पूरा। परिवर्तित होते जा रहा है, आत्मा के 16 बिंदु एक्टिवेट होते जा रहे। देखिए आत्मा को इसके 16 बिंदु, अष्ट शक्तियां, सात गुण। पंच महाभूत, छठा महातत्व, सब कुछ एक्टिवेट होता जा रहा है। अब आजू बाजू का वातावरण भी इन सातों गुणों से, संकल्प शक्ति से शक्तिशाली बनता जा रहा है। ये हीरा कितना पावरफुल है। अब ये लाइट और माइट दोनों रेडिएट कर रहे हैं। इसी कॉन्शियसनेस में बैठेंगे, मैं एक हीरा हूं, सतोगुनी, शक्तियों से भर। इसी कॉन्शियसनेस में बैठे, अब अपने आप को इसी आत्मिक स्थिति में बिठाकर मुरली को सुनते हैं। बिल्कुल भी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। तो आज का मुरली का डेट है 3 मई 72। ये पार्ट टू है मुरली का, टाइटल है लॉ मेकर बनो लॉ ब्रेकर नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना ना आत्मा क्या है, तो उसे मानना है, उसे लेकर चलना है। तो इसी स्वरूप में बैठेंगे और शिव शिव को देखना है, शव को नहीं। तो इस पार्ट में बाबा ने कुछ लॉज बताए हैं और
इसके प्रति बाबा ने कुछ सावधानियां भी दी है, उसको बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि बाबा बोलते अभी बाबा का बाप का रोल अभी खत्म हो चुका है, तो अभी अलबेलापन नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बाबा सदगुरु के रूप में, और ये मुरली का डेट देखो 72 का है, तो उस टाइम बाबा ने बोला है, लेकिन ऐसे लगता है कि सच में अभी अभी चल रहा है ये पार्ट बाबा का। तो बाबा बोलते अभी बहुत हो गया अलबेलापन, अभी वो सदगुरु वो सब नहीं देखेगा, क्योंकि सदगुरु क्या रहता है, वो इतना मीन्स मदर के जैसे नहीं, मदर क्या करती, माँ कैसे करती, माफी देती, लेकिन शक्ति क्या करती है, माफी नहीं देती है ना। तो उसके बारे में कुछ सावधानियां बताई है, और बाबा बोलते हर एक कदम हमें ना बहुत सावधानी से उठाना, क्योंकि हम अभी बहुत ऐसे ऊंची स्टेज पर जा रहे हैं ना, तो नीचे गिरेंगे तो बहुत नीचे गिरेंगे, तो बहुत सावधानी से चलना है। इसमें डराने की कोशिश नहीं की है बाबा ने, सिर्फ बाबा ने बोला कि श्रीमत पर चलो, लेकिन माया क्या करती है, श्रीमत में ना इजीली मन मत मिक्स करती है, बस उसे पहचानने के लिए हमें ना परख शक्ति चाहिए। तो इसको बाबा कैसे बता रहे देखेंगे अभी बाबा के ही शब्दों में। तो मुरली की डेट है इसका पार्ट टू, 3572 का पार्ट टू है, लॉ मेकर बनो लॉ ब्रेकर नहीं। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। बाबा ने क्या बोला है, हर संकल्प इसको पकड़ना है ना, हर संकल्प बाबा के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच बाप है, वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे, है ना। अभी हमारे संकल्प भी ऊंच होने चाहिए, पहले जैसे नहीं। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि नहीं चढ़ा सकते। तो बाप के ऊपर बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बाप स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है, तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते, बाबा ने शुद्धि पूर्वक बोला है ना। तो हमारे संकल्प भी ऐसे चाहिए जो भोग चढ़ा सकते, अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। तो हमें अभी ना अपने शब्दों में भी देखना है कि हमारे शब्दों में भी अशुद्धि है, तो उसे चेक करके उसे अपने आप को क्लियर करना है, चेंज करना है, फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की, तो ये महसूसता आती है। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं तो आप भी सुख स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ाना है, वो तो समझ सकते हो। तो बाबा कैसे ऊंचे ते ऊंच ना, तो हमारे यहां भी वोकैबुलरी कैसी चाहिए। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। संकल्प को कैसे देखना है हमें, भोग के जैसा, फिर कब भी हार नहीं खा सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना। अब
अभी क्या करना है, अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। देखो कितना हार्ड होने वाला है आगे जाके। अभी व्यर्थ चल रहा है ना, कितने जनों का यही चल रहा है, बहुत जनों का कंप्लेंट आ रहा है कि बहुत व्यर्थ जा रहा है, तो बाबा बोले इसकी भी सजा मिलेगी, क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है ना। बाबा बोलते ना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, तो ये खजाना हम वेस्ट कर रहे। खजाने को जो व्यर्थ गवाते हैं उसका क्या हाल होता है, है ना। खजाना सोचो ना, हम अगर धन भी अगर हमारे घर में पैसे ऐसे वेस्ट गवाते तो हम बोलते ना, क्या है तुमको कमाने को नहीं आता है, फिर खर्चा क्यों करते हो। तो वैसे बाबा ने हमको ना संकल्प का खजाना दिया। व्यर्थ धन गवाने वालों की रिजल्ट क्या निकलती है, दिवाला निकल जाता है। रिजल्ट क्या है, दिवाला निकलेगा ना। अगर हम ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो मेन टाइम में हमको उसका यूज नहीं होगा, तो दिवाला। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। देखो ये रिजल्ट है। बोलते ना बाबा मिलन के टाइम में कोई कोई बोलते ना, मुझे अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं अनुभव हुआ, कहीं तो हमने संकल्प वेस्ट किया ना। इसलिए बाबा बोलते ना उस टाइम, मौन रखो, ये करो वो करो, वेस्ट मत जाओ, इधर ना, है ना, योग कॉन्शियस होना चाहिए। हम पूरा इधर उधर घूमते रहते, है ना। बाबा ने कहा है क्या होगा फिर उस टाइम में, जो हमको अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा, ये बहुत बड़ी सजा है। अगर कोई सजा हो ना तो ये बहुत बड़ी सजा है, जैसे कि परमात्मा सामने है लेकिन उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने संकल्पों का खजाना वेस्ट किया। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है, हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। तो देखो जैसे हम ना ऊंची स्टेज पर जा रहे, तो हर समय कैसी चाहिए, अपने आप पर चेकिंग चाहिए। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, ऊंचाई के बजाय पाव खिसकते खिसकते नीचे आ जाते। इसको अनुभव करो। देखो हम ऐसे ऊपर चढ़ रहे, चढ़ते चढ़ते कुछ गलती हो गया, एक पाव खिसक गया तो एकदम नीचे, कैसे लगेगा। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है, पूछो अपने आप को, क्या अपने आप पर अटेंशन दे रहे या अलबेलेपन में जा रहा है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। बाबा बोले पहला समय और था, अभी वो समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीत चुका
तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहम दिल बन कुछ न कुछ जो सेल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समय समाप्त हो चुका, अभी रहम दिल नहीं। देखो 72 में बाबा बोल रहे, अगर अब तक भी रहम दिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहम दिल बन नहीं सकेगी, है ना। बाबा बोल रहे अभी भी अभी टाइम नहीं है बिल्कुल। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहम दिल बन सके। बाबा जब सावधानी देते ना, चलो अभी सावधान से चलो, तब हम सावधानी से चलना चाहिए। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहम दिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, मन को अभी बोल दो, है ना, इसके बाद एक भी गलती नहीं जो श्रीमत के विरुद्ध है। अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। कितना बोला है, हमेशा 100 गुना बोलते थे, लेकिन आज उसका परसेंटेज बढ़ा दिया ना बाबा ने 1000 गुना। क्यों बोला? क्योंकि समय नजदीक आ रहा है ना, ऐसे समझो ना, पेपर कल है और आज हम अलबेले हो रहे, तो कैसे फिर सजा मिलेगी ना, पेपर में कुछ लिखने को ही नहीं आएगा, इसलिए बाबा बता रहे। तो अभी एक भी भूल हो गई तो क्या होगा, 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। आज ये मन में बिठा लो 1000 गुना। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है, जरा भी नहीं गफलत करनी। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। टाइम कम है तो उसका रेट भी ज्यादा है, बाबा बोले कम टाइम में ज्यादा प्राप्ति है ना। नाम ही है ना पद्मा पति, है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मापति बनना है ना, तो बाबा ने नाम ही दिया है पद्मा, है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसे ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हो, है ना, हर कदम में बिलियनियर्स मिलियनियर्स। अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पदम की कमाई बिगर न जाए, एक कदम भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी चेकिंग करते हो वाह, कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है, ऐसे भी होता है ना, कहा है बहुत सारा टाइम वेस्ट किया उसके बाद में होश आ गया, इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। इसलिए बाबा बोलते इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कितना बताते ना, एक सेकंड का भी वैल्यू। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है, शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता, शक्ति का रूप जैसे दिखाते ना, शक्ति का रूप, उसके सामने कोई भी आएगा ना एक सेकंड में उसको क्या करते, वो संहार करती ना शक्ति, वहां पे रहम दिल नहीं, दया वया नहीं। बाबा बोलते सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो देखो अपने आप को शेरणी शक्ति, और अपने सामने असुर है तो उस पर रहम करेंगे, उसका संहार करना है। तो हमारे अंदर के ही जो अभी कमजोरियां है ना, उसको देखो सामने लाओ, उसका संहार करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है, संहार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है।
ये इम्पोर्टेंट है। कौन से टाइम में क्या करना है वो भी सोचना है। अभी देखो उसको और संहार करो, उस पर रहम नहीं खाना है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है, इसलिए अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है सदगुरु के रूप में। अभी वो हो गया नाज नखरे का पार्ट। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सदगुरु का नहीं होता। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है वैसे सत संकल्प सत बोल सत कर्म बनाने वाला है। क्या सत करने वाला है? संकल्प बोल और कर्म सब कुछ बाबा हमारा ना सत करने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा कैसे भी करेंगे, सदगुरु का काम कैसे रहता है? टीचर का उसके हाथ में दे दो अपना बच्चा तो वो प्यार से नहीं तो मार से किसी भी रीति से ना। तो बाबा ने इधर बताया नॉलेज द्वारा करेंगे नहीं तो पुरुषार्थ द्वारा, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। तो तीन टाइप्स बताए कैसे करेंगे हमको टीचर ठीक, अपने जो संकल्प है बोल है और कर्म उसको सत कैसे करेंगे, नॉलेज द्वारा पुरुषार्थ द्वारा और सजा द्वारा, तीनों टाइप्स में बता सकते। सदगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है ना, अपने नखरे नहीं देखता वो। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो है ना। अभी अपना समय अंत का है ना और बाप का रूप बदल गया, अभी सदगुरु का बन गया है। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो है ना। मन बोलता है ना अभी टाइम है, सभी थोड़े ना संपन्न बने हैं, तो ये क्या होगा, धोखा होना, धोखा हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है, शक्तियों को अभी अपनी संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है कोई भी असुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। असुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। क्या है असुरी संस्कार वाले, क्या है, शक्तियों के सामने आंख उठाकर भी देख नहीं सकते। जैसे मम्मा के सामने है ना कैसे आते थे ना तो एकदम शांत हो जाते, तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं को भी असुरी संस्कार का संस्कारों का संहारी करो। अपने अंदर के क्या करने है, असुरी संस्कारों का संहार करना है और दूसरों के भी असुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो, अपने भी करने और दूसरों को भी कराने। ऐसी हिम्मत है माता रूप से भले रहम आ जाते, शक्ति रूप से रहम नहीं आता। डिफरेंस बताया ना, माता बनकर पालना तो बहुत की और माता के आगे बच्चे लाड़कोड़ करते भी है, अभी शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो, ऐसी स्टेज बनाओ जो असुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक ही नजर से असुर संहारिणी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, सेकंड में ना। जिस समय हमको समझ में आया ना
वो सेकंड में परिवर्तन, और नजर से देखने में कितना समय लगता है उसमें भी एक सेकंड लगता है। तो नजर से असुर संहार करने वाले अर्थात एक सेकंड में असुर संहारी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो, तो एक सेकंड में अपने अंदर के असुरी संस्कारों को भस्म करने, कितने मिनट्स, मिनट्स भी नहीं सेकंड्स बोला है बाबा ने, कि असुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। देखो संहार करने को बोला है और बाबा ने सेकंड पॉइंट भी बोला है कि आप उसके वशीभूत हो गई तो नहीं, असुरी संस्कारों के वशीभूत होने वालों को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? असुरी में ना, तो आप कौन हो? आंसर दिया है ना किसी ने, ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास असुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी असुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए, किसी ने जवाब दिया आते हैं, तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? देखो एक बार हम देवी दिख रहे, दूसरे बार असुर दिख रहे, कैसे लग रहा है? देखो इसको जरा पिक्चराइज करो मन में, एक सेकंड में हम देवी बन गए शक्ति रूप, और दूसरे सेकंड में एकदम से असुर कमजोरी में के वश वशीभूत, कैसे दिख रहा अपना पिक्चर? तो बाबा बोल रहे एक सेकंड में क्या बन रहे और दूसरे सेकंड में क्या, अपना ही रूप बदलकर बहुरूपी, बोले बाबा बहुरूपी बन जाते हो। अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी असुरी संस्कारों के वश हो गए, तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से असुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक है, अगर अभी किया होगा ना भस्म तो बाबा आपको मुबारक भी दे रहे। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ क्या होगी? स्थूल सजाएं भी मिली। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे, नहीं, सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती रही मिलती जाएगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, बाबा ने क्या बोला? अमर्यादा का कर्तव्य, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े, फिर तब क्या होगा? क्या होगा फिर? हमारा कितना टाइम जाएगा ना ये संगम युग का। अपने देवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति, समय की संपत्ति ज्यादा है ना, समय का खजाना चला जाएगा, जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है उनसे वंचित होना पड़े। इसलिए अब बहुत सोच कर और समझकर कदम उठाना, ऐसे लॉज यानी नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई, तो पहले से ही सुना रहे, तो हमारे अंदर जो रहता है ना माया के आंसर्स वो बता रहे। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज या नियम भी है, जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो
तो लॉ को ब्रेक नहीं करना, अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? ये आंसर है, जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता वो लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अपने आपको अभी चेक करना है कहाँ पर हम ब्रेक तो नहीं कर रहे लॉज को। अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मेन तो क्या है, श्रीमत, मनमत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। बहुत होशियार है ना। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं, है ना। माया क्या करती है, मनमत को ही श्रीमत जैसे दिखाती है। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। जैसे सीता का हुआ ना, कहां परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहां भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है उन्हें उन्हों से सहयोग लो। जहां पर हमको नहीं मालूम पड़ रहा है ना, तो हमें जैसे दीदियों से या जिसको ज्यादा समझता है ना उसको पूछना चाहिए। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है, ये वा मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपको भी नमस्ते। अब एक मिनट साइलेंस में जाएंगे, अपने आप की अंदर जो कमजोरियां है, अलबेलापन है, उसको शक्ति स्वरूप बनकर संहार करेंगे इस एक मिनट में। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट शेयर कीजिए। बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि पहले तो टॉपिक से बहुत कड़ा लग रहा था, और सुनते हुए ऐसा लगा कि बाबा ने हमको कहा कि अब लॉ ब्रेक नहीं करना है और इस तो अलविदा नहीं होना है,
क्योंकि अभी शक्ति का पाठ चल रहा है और सदगुरु का पाठ चल रहा है और टाइम भी टफ हो रहा है, तो एक एक गुना का 1,000 गुना, और एक एक मिस्टेक का 1,000 गुना दंड मिलेगा। ऐसे हुए पाप ने हमको सजग किया और पहले से बताया कि ऐसे समय आएगा और आपको एकदम सावधान कर रहे हैं, अभी समझ लो ऐसा कहा। और सबसे अच्छा वो लगा कि बहु रूपी होते हैं हम, और मैंने भी विजुअलाइज किया कि कभी कभी एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं और कभी कभी आचुरी मत में हो जाता है, तो बहुत हंसी के फेस दिखाई दे रहे थे। ओम शांति। ओम शांति अश्वनी। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं माया अपने मन मंत्र को श्रीमत् प्रमाण दिखाती है। बाबा बोलते हैं आज की मुरली में। ओम शांति सिस्टर। तो हमें मन में नहीं चलना, हमें श्रीमत् का ध्यान रखना है। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि रहम दिल का पाठ खत्म हो गया है, अब संघारी रूप का शक्ति रूप धारण करना है। और बाबा ने यह भी कहा है कि सद्गुरु के रूप में बाबा का पाठ है हमें पावन बनाकर साथ ले जाने का। तो बाबा सत संकल्प, सत बोल और सत कर्म बनाने वाला है। तो फिर चाहे नॉलेज द्वारा, चाहे पुरुषार्थ द्वारा या फिर सजा द्वारा पावन बनाकर वो हमें साथ ले जाएगा। ओम शांति। जी, आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि सतगुरु वो जो पावन ही बनाए। तो यहाँ पर भी सत कर्म, सत बोल, सत संकल्प, फिर चाहे वो हमें ज्ञान सुनाकर बनाए, चाहे वो हमारे द्वारा पुरुषार्थ करा के बनाए, चाहे वो हमें सजा दे करके बनाए, उसको बनाना है और वो बनाएगा। नीलू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। जो बाबा ने मन्मथ और श्रीमत का पॉइंट बोला ना, उसमें मैं अपना एक अनुभव सुनाती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जब बाबा आते हैं तो मुझे घर में सुनना है, घर में देखना है ये बाबा मिलन को, तो सेंटर में नहीं जाना है। जबकि मैं थोड़ा सा प्रसाद करूँ, थोड़ी देर थोड़ा सा करूँ तो मैं जा भी सकती हूँ ऐसे कुछ नहीं। पर मेरे मन में ये आता था कि बाबा को, फिर बाबा मेरे घर में कैसे आएंगे ना, जिस स्थान में मैं रहती हूँ। तो ऐसे ही फिर मैंने अपने निमित्त टीचर से शेयर किया पूरी क्लास के सामने। मैंने कहा औरों का भी ये पॉइंट होगा ना जो सेंटर तक नहीं आते हैं, शायद सबके मन में ये होगा। तो मैंने ऐसे दीदी को बोला, तो दीदी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो स्टेज से आपको श्रीमत मिल रही है निमित्त के द्वारा, वो करनी है। तो इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखता है। अब कितना सूक्ष्म अंतर, मेरी भावना ये थी कि बाबा वो दीदी बोले आपकी भावना ठीक है, आरे परे सुन लो ना, सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम आप अगर स्टेज से आपको बोला जा रहा है कि आपने सेंटर पे आके बाबा मिलन करना है तो आपको आना है। तो मैं अपने सब भाई बहनों से जो भी सुन रहे हैं, अगर आप सेंटर जाके सुन सको, तो मुझे बहुत सूखती है बात कि हम और किसी टाइम पे भी तो बाबा को घर बुला सकते हैं ना। बिल्कुल, रास्ते भी बाबा ही खोलता है। एक बार अगर हमने हिम्मत कर ली ना, तो वो हर बार बुलाएगा हमें। हाँ जी जी चलंके भाई बोलिए। जी देखो, आज की मुरली देखिए, मैं सुना तो बाबा का पूरा पाठ जैसे धर्मराज का पाठ समझकर मुरली चलाई आज बाबा ने। ओके, और सामने सब प्रतिमा आरती हो गए ना, शायद वो उस टाइम भी हो गए, पूरी दुनिया के लिए चला रहे, फिर भी बाबा ने ये पॉइंट आउट किया है। अब देखो, असुर बार बार बाबा ने असुरी संस्कार बोले हैं। अब जो देवता होने वाले हैं, जो सतयुग में एंट्री करने वाले हैं, शुरू के कम से कम आदि 9 लाख जो है उनमें टोटल दैवी संस्कार रहने वाले, देवताओं के संस्कार रहने वाले, वो तो असुर बन नहीं सकते। फिर बाबा ने किन के लिए बोला है ये? तो जैसे आसुरी मतलब जहाँ देवती संस्कार, देवता ही संस्कार नहीं है, उनको आसुर कहा है? 36 गुण नहीं है, या तो बहुत ही कड़े संस्कार है जिससे पूरा कोलैप्स होता होगा सिस्टम, उनके लिए शायद इशारा होगा बाबा का। और सजाए 8 नहीं खाएंगे लास्ट तक, जो पास विथ ऑनर बनेंगे ना, जो 8 अष्टरत्न है, 108 का कम सजा मिलेगी, 16,000 और उससे कम, लेकिन 8 ही सिर्फ पास विथ ऑनर बनने वाले हैं। तो यज्ञ बनता है समर्पित भाई बहने टीचर से,
और स्टूडेंट से, साकार में जो बाबा के साथ थे उनसे, मतलब तीन एलिमेंट है यज्ञ में। तो कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि जाने अनजाने में हाईएस्ट लेवल पे कभी कभी क्या होता है, मिस यूज ऑफ पावर जो होता है ना, फिर हर तरफ जोन के वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, समझो तालुका वाइज, जो भी जोन, तो कभी कभी उनमें भी मिस यूज ऑफ पावर होता है। शायद पता नहीं रहता उनको भी, लेकिन ऑर्डर प्रमाण चलाते हो, क्योंकि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो डिवाइन यहीं से शुरू होता है, तब जाके द्वापर में उसका यादगार बनेगा। तो बाबा ने ये पॉइंट आउट किया होगा, बाबा को तो यज्ञ चलाना है इसलिए डिटेल में नहीं बोलते बाबा, लेकिन ये भी सबने ध्यान में रखना है कि मेरे पास पावर आए तो मेरे पास मिस यूज तो नहीं हो रहा है उस पावर का, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा उस पावर में, कोई बोल नहीं रहा बाबा का यज्ञ इसलिए, ऐसा तो नहीं कि मैं सही हूँ। तो ये चेक करना है जिसके पास पावर है, जो जिसका संगठन के कंट्रोल है। और भाई बहनों ने भी आपस में सूक्ष्म में कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं चलता लेकिन फिर भी एक छोटे मोटे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो संगठित रूप में क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसमें बहुत जरूरी है। तो सत्य की भी कभी भी साइड लेना चाहिए, चाहे वो हजार खिलाफ हो जाए, तो सत्य, तो ये सब गुण अगर दिखाई देंगे तो बाबा उनको पास विद ऑनर करेगा। ये भी क्योंकि लास्ट का समय चल रहा है अभी, मैं तो कहता हूँ पुरुषार्थ का समय ऑलरेडी समाप्त हुआ, ऐसे मुझे लगता है। ये प्रारब्ध चल रही है, सब रिजल्ट्स के, इसलिए अकेला क्यों ना हो, सत्य का मार्ग लो, सत्य बोलना चाहिए और देवता देवता गुण धारण करना चाहिए, तो बहुत अच्छी रिजल्ट आएंगे। अभी भी वक्त है सुधारने का सबको, क्योंकि बाबा ऐसे चलाएंगे नहीं मुरली फिर। ओके, ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। जी ओम शांति। देखो समय प्रति समय बाबा भी इशारा देते रहेगा ना, जैसे आज के बाबा ने मुरली में कहा कि ऐसा नहीं कि लास्ट के समय में आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे कुछ बताया नहीं। इसलिए अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कितना गुहे गुहे हमें इशारा दी। इसलिए सभी को थोड़ा रिक्वेस्ट है कि ये वही ये जो वाणी है ना, ये फिर से एक बार पढ़ लो। आप एकांत में बैठ कर थोड़ा सा पढ़ना, भले एक पेज पढ़ो दो पेज पढ़ो, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना और फिर उसका मंथन खुद निकालना कि आपको क्या लगा। एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो लेकिन पढ़ना, क्योंकि बहुत गंभीर बाबा ने कुछ कुछ वाणियां बाबा की थोड़ा गंभीर में, वैसे तो सभी बाबा की वाणियां होती है लेकिन कुछ कुछ वाणियों में कुछ बाबा ने गंभीर इशारे दिए होंगे, तो ऐसे इशारों को भी समझना है कि बाबा ने ये इशारा क्यों दिया है। देखो कभी बाबा कहता है कि एक काश सौ गुना दंड होगा, कभी आज बाबा ने कितना बोला, कहने के पीछे भाव क्या बाबा का कि आप गलती मत करना। होती है मनुष्य है पुरुषार्थी है, ये शब्द थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे, अभी कौन बना है तो मैं इतना बड़ा बनाऊंगा नहीं। जो भी है ड्रामा में आपको जो पार्ट मिला है उसमें आपको सक्सेसफुल बनाना है। जी ललिता बहन जी बोलो। ओम शांति भाई जी। जैसे अभी ये भाई जी ने कहा कि सच का साथ देना है, भले ही अकेले क्यों ना हो जाओ लेकिन सच का साथ देना है, तो हमारा ये सवाल है कि सच का साथ, ये हम बाबा क्या कहते हैं, जो उसे निमित टीचरें निमित बहनें जो बोलती है वैसा करना है राइट। लेकिन अगर निमित बहनें पूरा श्रीमत के खिलाफ चल रही है, पूरा श्रीमत के अगेंस्ट में क्रोध, मतलब हर कुछ कर रही है, क्रोध भी सब कुछ, और हम कुछ और सारे सेंटर के भाई बहन उनसे जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि बड़ा जोन भी वहां तक जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ भाई बहने लिमिटेड हैं, बहुत थोड़े हैं जो उन सब से किनारा करके अपना गीता पाठशाला चला रहे हैं, तो क्या ये सही होता है क्या कि निमित टीचर के विरुद्ध जाकर, मतलब विरुद्ध नहीं मतलब उनसे किनारा करके, तो क्या है लेकिन सच के साथ, यहाँ कोई धोखाबाजी नहीं कुछ नहीं है, पूरा श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, तो ये सवाल है। जी देखो ये जवाब मैंने आपका इससे बहुत कॉमन है, क्योंकि कल भी थोड़ा सा हमने इस पर डिस्कस थोड़ा किया था, क्योंकि हम कुमार थे कन्या थे, कल उनके हम बट्टी थी ना, बहुत सारे ऐसे जन थे कि थोड़ा बहुत सेंटर में ऊपर नीचे हो रहा है, निमित्त बहनों के द्वारा ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो जा रही है। लेकिन देखना एक चीज को कि मुझे कई बार ऐसे संकल्प आता है कि बाबा भी ऊपर देख कर सब कुछ खेल देख रहे हैं, या बाबा को पता नहीं है कि ये जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं,
फिर भी देखो ड्रामा में कुछ कुछ बातें ऐसी है कि उनका भी कुछ पुण्य का खाता होगा या कुछ, और उनको उन्होंने बहुत अच्छा काम कर्म किया होगा जिसके कारण ड्रामा में अभी तक वो सेफ है। लेकिन हमें सिर्फ देखो कि हमारा हाथ में क्या है कि उनको शुभ भावना देना, और हो सकता है तो बड़ों को थोड़ा सा बताना कि बहन जी ऐसा ऐसा है, लेकिन स्वयं की स्थिति को डाउन मत करना। ऐसा नहीं कि वो ऐसे है इसलिए मैं थोड़ा नाराज हूँ या किसी को बताना ये करना, इससे क्या होता है कि हमारी स्थिति के ऊपर बहुत होता है। इसलिए जितना हो सके ना देखो एक चीज के ऊपर बहुत सभी ध्यान देना, कि सेंटर पे भले ऊपर नीचे हो जाए लेकिन हमें उसके अंदर फंसना नहीं है। चीटी का भी सेवा हुई फुल स्टॉप। समझ लो आप कुछ सेंटर पे गए तो उसके अंदर ज्यादा मत जाना, कि कभी कभी होता है ना कि बहन किसी भाई या बहन के इंटरनल उनका होता है ना कुछ तो ये कैसा है वो कैसा है, नहीं ज्यादा मत जाना। बाबा की सेवा किया फिर निकल आए ओके फुल स्टॉप। लेकिन इससे क्या होता है कि टू मच रिलेशनशिप जिसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी, और इसको बहुत ध्यान रखना। और कुछ गलत हो भी रहा है तो भी बाबा को बताना, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं घर में थोड़ा सा योग करता हूँ, या देखो मुरली के लिए जाना कोई मना नहीं करेगा। बाकी चीजों में अगर आपको नहीं जाना है तो ठीक है फुल स्टॉप करो। समझ लो सेवाओं में आपको किसी और सेंटर के साथ अच्छा तरह से पालना मिल रही है तो भले वहाँ सेंटर पे जाओ, लेकिन मुरली के लिए भले आप नजदीक सेंटर पे जाओ, लेकिन थोड़ा सा बात यह है कि आप ज्यादा ये मत फंसना नहीं स्वयं को, क्योंकि बाहर भी झमेले है फिर इधर ब्रह्म कुमारी बीके बनने के बाद भी झमेले में फंसना, इससे तो बचा है क्या। बाहर के दुनिया में भी हम यही किया ना, इसके लिए अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। बाकी सेवाएं तो बाबा बहुत कुछ देता रहेगा, ज्ञान योग को भी आप बढ़ाना, इसके कारण आपका हो जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल ये परिस्थिति बदल जाएगी, आप थोड़ा ठहरना नहीं लेकिन श्रीमत के अलावा कुछ कदम मत उठाना, ऐसा हमें लगता है। जी भाई जी शुक्रिया। शांति भाई जी इसमें हम एक यही कर सकते हैं, हमें अपने पर रोक लगानी है कि हमने पर नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना, पर दृष्टि नहीं, अपने पर तीनों पर हटा देने और बस परोपकार की दृष्टि से करना है, अपना काम हुआ और निकल आए। ओम शांति। ओम शांति। वैसे है ना भाई जी, इसके अंदर हम एक छोटी सी बात कहेंगे कि निमित्त बनना भी है ना बहुत आसान बात नहीं है। सोचो बाबा ने उनको हमारे निमित्त बनाया तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। दूसरी बात, उस निमित्त के स्थान पर जब आप होते हो ना, आपको अनेकों को सेटिस्फाई करके चलना पड़ता है। अब आप ये सोचो कि आप भी तो पुरुषार्थी ही हो ना, निमित्त भी पुरुषार्थी है। जब हम छोटी सी बात पे कह देते हैं हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो निमित्त को कितनी बातें सहन करनी पड़ती है, कितनी सारी आत्माओं को संतुष्ट, अगर जरा सा भी ऊंचा नीचा हुआ तो उनके संकल्प चलेंगे, उनके संकल्पों को भी शांत करना। तो हम तो समझते हैं कि हमारा एक रहम दिल का नेचर होना चाहिए, हमें भी उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ सहयोग अपनी शक्तियों से उनको हमें देना चाहिए। दूसरी बात कि बाबा हमेशा कहता है कि निमित्त बाप समान होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तो उन्होंने जो कहा ठीक है आप उसको सहज स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो बालक बन के, लेकिन अपने माइंड में जितनी भी बातें चल रही है सबकी क्लैरिफिकेशन अकेले में बैठ के बाबा से बातें करके बाबा से योग लगा के आप बाबा से ही लो। इस समय बाबा हर बात का डायरेक्शन आपको डायरेक्ट देता है, हैंड टू हैंड देता है, हमने तो ये अनुभव किया है। तो जब भी कभी कोई डाउट हो तो बाबा के पास बैठो, सारी एनर्जी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बाबा से कनेक्शन, वो कहते हैं ना प्लेन याद, आप उस प्लेन याद में बैठो, बाबा आपको जरूर कुछ ना कुछ टच कराएगा। और दीदियों के प्रति हमेशा ही एक रिस्पेक्ट का भाव, बाप समान का भाव और उनके प्रति भी रहम दिल का भाव, कुछ ना कुछ सहयोग हमें उनको देते रहना चाहिए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर उन आत्माओं को आपके लिए निमित्त बनाया बाबा ने
कुछ तो सोचा ही होगा, बिना सोचे आपके लिए निमित्त नहीं बनाया उन्होंने। तो हाँ, हमारा भाव हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। ओम शांति। जी लास्ट एक ही बात कहूंगा, जैसे आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प जितना हो सके उपरम हो जाना। एक हमेशा एक एग्जाम्पल दशरथ भाई जी कुमारों के यहाँ पर देते हैं ना, एक कुमार है हंडे और बहने हैं, सॉरी कुमार है मटका और बहने हैं हंडा। भले मटके हंडा पर पड़े या हंडा मटके पर पड़े, फूटने वाला तो मटका है। इसके लिए हमें तो हमेशा जो भाई जी हमारे निमित्त भाई कहते हैं कि आपको दो हाथ लाम दूर ही रहना है। उन्होंने कहा ये ऐसा है ऐसा है, ठीक है आपको सामने गलती दिखाई दे रही है, लेकिन हाजिक करके आगे चलो, ज्यादा संकल्प मत चलाओ, लेकिन अपने आप को श्रीमत के विरुद्ध मत चलाना। तो ये ऐसे होते हैं, कभी कभी अपने आप को लगता है कि मैं श्रीमत के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ। जैसे कल एक कन्या का एग्जाम्पल मुझे एक बताया था कि कन्या ने कुछ तो कुमारों के साथ कुछ व्हाट्सएप किया, ये किया। तो एक्चुअली इन ब्रह्मा कुमारी में ऐसा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है सभी का, ये उनको बताना पड़ता है कि कभी अकेले में बात नहीं करना, अगर रूम में बात कर रहे हैं तो दरवाजा ओपन रखना। क्योंकि हमने भी जब ऐसे क्लासेस दादियों के सुने हैं, तो ये भी कई लोगों को श्रीमत अभी भी समझ में नहीं आते, तो श्रीमत को भी अच्छी तरह समझना वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना? क्योंकि होता है, हमें पता है कि ये संस्कारों का टकराव, जैसे अभी दादी जी के भोग में भी संदेश आप सभी ने सुना होगा ना, यही पेपर मेन है कि स्वभावों का संस्कारों का टक्कर, और इसको ही हमें पास होना है। यहाँ पे जो है ना निमित्त टीचर्स जो भी है छोटे मोटे सेंटर संभालते, वो बहुत बढ़िया है, वो देवता संस्कार है। लेकिन वो मैंने जो, क्यों मैं एक के साथ से ज्ञान में हूँ, वो बिल्कुल बाबा की बच्ची है सभी। ओम शांति। समय भी हो गया है जी, तो आप कमेंट्री भी करना। शांति। तो जैसे अभी सिचुएशंस देखे सुने, उस पर एक ही पॉइंट हम ले सकते कि हमें सिर्फ निमित्त आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के जैसे ही देखना है। बाबा बोलते ना, अगर इसने भूल भी किया तो इसके जिम्मेवार मैं हूँ, ऐसे बोलकर अपने मन को फुल स्टॉप लगाना है। वो ब्रह्मा बाबा है, नो क्वेश्चंस ओनली फुल स्टॉप। श्रीमत है हाजी करना। तो हम अब जो भी नेगेटिव संस्कार जो संकल्पों के रूप में इमर्ज हो रहा है उस आत्माओं के प्रति, तो उस संकल्पों को एक सेकंड में अपने नजरों से शक्ति रूप बनकर संहार करेंगे। एक सेकंड लगाना है, यानी फुल स्टॉप। तो बैठ जाए शक्ति स्वरूप में, असुर संहारिणी। अपने ही दुर्गुणों का नाश करने वाली मैं माँ दुर्गा, देखे अपनी अष्टभुजा, अष्ट शक्तियां जागृत हो गई। पूरा शक्ति स्वरूप, ये जो संकल्पों का भूचाल आ गया है, चाहे निमित्त आत्माओं के बारे में, चाहे ब्राह्मण परिवार के बारे में, अब इस भूचाल को एक सेकेंड में
संहार करते। देखे मैं ऑलरेडी शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे नैनों से, भ्रुकुटी से मेरे हर नेगेटिव संकल्प अब एक सेकंड में भस्म। पूरी तरह से भस्म। अब एक भी संकल्प नहीं, ना ही निमित्त और ना ही ब्राह्मण फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे ते अच्छा हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे सभी अकाउंट्स क्लियर होते जा रहे, मेरा नेगेटिव का संकल्प का खाता भी आज जो मुझे नेगेटिव की तरफ ले जा रहा था वो भस्म हो गया। मेरी ये कितनी बड़ी भूल जो मुझे नीचे नीचे ला रही थी, परमात्मा की एक ज्ञान की तलवार से और योग की अग्नि से भस्म हो गया। अभी भी देखे अपनी आंख को शक्ति रूप में। और इसी शक्ति स्वरूप को अपने में पूरी रात तक जिंदा रखे। अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो भी कचरा कूड़ा बड़ा है वो सब कुछ रात भर भस्म हो जाएगा और सुबह अमृत वेला स्वयं शिव से कंबाइंड होकर फिर से इस पर वर्क करना। ऐसे 7 दिन करने से पूरी तरह से हम इस नेगेटिव के प्रवाह से बच जाएंगे। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। गुड नाइट।